हाय फ्रेंड्स, मैं शिवम कुमार और आप लोग देख रहे हैं टेक पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप रेडमी नोट 4 में जो एंड्रॉयड ओरियो इंस्टॉल किए हैं उससे गो बैक कैसे जा सकते हैं, यानी कि एंड्रॉयड ओरियो से MIUI 8 और 9 में। देखिए, मैं अपने रेडमी नोट 4 में एंड्रॉयड ओरियो इंस्टॉल किया हुआ हूँ और मैंने इंस्टॉल करने का पूरा ट्यूटोरियल अपने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। आप वहाँ से जाकर आप चेक कर लीजिए कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है एंड्रॉयड ओरियो को और चाहते हैं कि फिर से MIUI 9 और MIUI 8 में वापस जाएं, तो आप जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपके डिवाइस को पावर ऑफ़ करना होगा और पावर ऑफ़ करने के बाद आप अपने डिवाइस को TWRP रिकवरी मोड में बूट कर दीजिए। TWRP रिकवरी में बूट करने के लिए आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन प्रेस करना होगा, और जैसे प्रेस करेंगे तो जब MI का लोगो आएगा तब छोड़ दीजिएगा, तो ये अपने आप बूट हो जाएगा TWRP रिकवरी में। देखिए आपको कैसे करना है, पहले पावर बटन फिर वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ प्रेस कर दीजिए, और जैसे ही आप प्रेस कर देंगे, देखिए अब MI का लोगो आ गया और छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप TWRP से कर सकते हैं। अगर आपने फास्ट बूट मेथड यानी कि Redmi वाले जिससे कि फास्ट बूट से इंस्टॉल करते हैं Redmi को MIUI 8 और 9 फास्ट बूट मेथड से उसे ट्राई किया है, तो आपको उससे नहीं होगा, ये सिर्फ TWRP से ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सारा प्रोसेस। तो आपने जब इसको रीबूट कर लिया है, TWRP रिकवरी में बूट कर लिया है, तो सबसे पहले आपको सारा डाटा वाइप करना होगा और सिर्फ माइक्रो SD और USB स्टोरेज को छोड़कर, क्योंकि उसमें ही आप अपना MIUI 8 और 9 का पैकेज रखे होंगे। इसको फ़ोन और स्टोरेज में मत रखिएगा। अगर आप फ़ोन स्टोरेज में रखते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगा, आप नहीं फ्लैश कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सारा स्टोरेज फॉर्मेट कर देना है, सिर्फ माइक्रो SD और USB स्टोरेज छोड़ देना है, क्योंकि आपका उसमें MIUI 8 और MIUI 9 रहेगा। तो TWRP रिकवरी मैंने सब एडवांस जितने भी फॉर्मेट के ऑप्शन आएंगे वहाँ पे आप फॉर्मेट कर दीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा वहाँ पे आपको सिर्फ माइक्रो SD और USB स्टोरेज को छोड़ देना है, तभी ये प्रोसेस काम करेगा। क्योंकि आप वहाँ को फॉर्मेट कर देते हैं तो ये काम नहीं करेगा। तो मैंने फॉर्मेट कर लिया है, और फॉर्मेट करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल पे जाइए, और इंस्टॉल पे जाने के बाद आप अपना स्टोरेज चेक कर लीजिए। तो मैंने अपना स्टोरेज में ओपन कर लिया है, और यहाँ पे जहाँ पे भी आपने रखा होगा वहाँ उस फोल्डर में जाइए, और उस फोल्डर में जाने के बाद आपको क्या करना होगा, वहाँ पे जो होगा आपका MIUI 8 और 9 उसको सेलेक्ट कर लीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि देखिए MIUI 8 है, मैं अभी इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर इसको क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद इंस्टॉल जो बटन आएगा उसको स्वाइप कर दीजिए, राइट स्वाइप। और आप जैसे ही राइट स्वाइप कर देंगे तो ये टाइम लेता है MIUI 8 और 9 जो भी होगा आपका उसको इंस्टॉल करने में बहुत टाइम लेता है, तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दिया हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इंस्टॉल हो रहा है। तो इसमें एक ट्रिक यह है कि आप इस बिना फॉर्मेट किए हुए इसको इंस्टॉल नहीं कीजिएगा। अगर आप बिना फॉर्मेट किए हुए इसको इंस्टॉल कर देते हैं तो ये ओपन नहीं होगा, आपको पहले पूरा फ़ोन स्टोरेज फॉर्मेट करना ही होगा तभी ये ओपन होगा, और नहीं तो नहीं होगा। और ये देखिए ये बस हो ही गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और ये दोस्तों देखिए ये इंस्टॉल हो गया है। तो इंस्टॉल हो गया है तो यहाँ पे आपको वाइप कैसे और डेवलिंग का ऑप्शन आएगा, उसको फॉर्मेट कर लीजिए। उसको करने के बाद आप रिबूट सिस्टम नाउ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही रिबूट सिस्टम नाउ कर देते हैं तो यहाँ पे MI का लोगो आ जाएगा। ये थोड़ा सा काफ़ी टाइम लेता है ऑन होने में, क्योंकि सारा डेटा फॉर्मेट हो गया होता है, तो मैं भी इस वीडियो को स्किप कर दिया हूँ थोड़ा। तो देखिए ये बस जस्ट होने ही वाला है, थोड़ा सा टाइम तो लेता है, लेकिन इस मेथड से आप अपने एंड्रॉयड ओ से एंड्रॉयड
7 यानी कि MIUI 9 में आ सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड 7 में बहुत सारे सॉरी एंड्रॉयड 8 में बहुत सारे बग हैं अभी। ये रेडमी नोट 4 के लिए सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनाया गया था, और लेकिन इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं काम कर रहा था और बहुत सारे फंक्शन नहीं काम कर रहे थे, इसीलिए बहुत सारे यूज़र जो एंड्रॉयड ओ में गए होंगे उनको बहुत परेशानी हुई होगी। इसलिए अगर वो 7 यानी कि MIUI 9 में आप आना चाहते हैं तो इस मेथड से आ सकते हैं। ये बहुत टाइम लेता है, मैंने बहुत इस वीडियो को स्किप किया है, फिर भी ये बहुत टाइम लेता है। तो दोस्तों अब ये बस स्टार्ट होने ही वाला है। मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए ये बस ऑन हो गया है, और हाँ देखिए मैंने इसमें MIUI 8 को भी इंस्टॉल किया है। आपको इसको रिकवरी जिप से इंस्टॉल करना होगा, और रिकवरी जिप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहीं से लेकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसका फटाफट सेटअप कर लेता हूँ, और सेटअप करने के बाद मैं आपको इसका जो है बता दूंगा, दिखा दूंगा कि ये एंड्रॉयड 7 में हो गया है, यानी कि MIUI 8 में। देखिए एंड्रॉयड 7 और 6 भी जो वर्जन है साथ देख लेते हैं कौन सा वर्जन मैंने इंस्टॉल किया है, उसमें ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी देख सकते हैं कि ये MIUI 8 का लोगो यहाँ पे है, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है ये भी, लेकिन मैं इसको फटाफट सेटअप कर लेता हूँ। और देखिए मैंने इसका सेटअप कर लिया है, और सेटअप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये MIUI में आ गया है फिर से, और मैं यहाँ से सेटिंग में ओपन कर देता हूँ। और सेटिंग में आप देख लीजिए ये सेम टू सेम MIUI 9 जैसे और 8 जैसे आ गया है। तो इस मेथड से आप MIUI 9 और 8 में आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।